आपने भगवान कहा और भगवान कहते ही लगता है जैसे कोई व्यक्ति है कहीं पर बैठा हुआ, कहीं पर रह रहा। भगवान को आपने व्यक्ति के रूप में कहा तो आपने भगवान को छोटा कर दिया और उसी समय मुश्किल हो गई। उसी समय तमाम प्रकार की धारणाओं का खेल, तमाम प्रकार की धारणाओं का विवाद, तमाम प्रकार की धारणाओं का बितंडा खड़ा हो गया। कोई कहेगा वो चतुर्भुजी है, कोई कहेगा त्रिभुजी है, कोई कहेगा दो भुजाओं वाला है, कोई कहेगा सहस्त्र बाहु है, हजार हजार भुजाओं वाला है, कोई कहेगा एक मुखी है, कोई कहेगा पंचमुखी पांच मुख वाला है, कोई कहेगा हाथी के रूप में शक्ल है वो गणेश जी भगवान हैं, कोई कहेगा बंदर के रूप में शक्ल है हनुमान जी महाराज हैं। आदमी बड़ा अद्भुत है, वो भगवान की बात तत्काल किसी न किसी रूप में ही देखने लगता है, जबकि भगवान नहीं भगवत्ता है, रस रूप है। कितना अद्भुत सूत्र है, व्यक्तिवाची नहीं है। इसीलिए मैं कहूँ कि वह रस का अनुभव जिस व्यक्ति को हो गया उसको तो हम भगवान आसानी से कह सकते हैं। जैसे सद्गुरु नानक को हुआ, बुद्ध को हुआ तो हम भगवान बुद्ध कहे, महावीर को हुआ हमने भगवान महावीर कहा, क्योंकि रस रूप में उनके अनुभव में उतर गया, 24 घंटे आनंद की तरंग उनके जीवन में प्रकट हो गई। तो वो चाहे बुद्ध हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे क्राइस्ट हो, हमने उन्हें भगवान की संज्ञा दे दी, ये तो अच्छा है। भगवत्ता किसी व्यक्ति में उतर आई तो वो भगवान हो गया। अगर सद्गुरु में भगवत्ता उतर आई तो सद्गुरु भगवान स्वरूप हो गया। लेकिन वो परमात्मा वो तो विराट है, सर्वत्र है, व्यक्ति की इकाई से भी परे है, उसको सीमा में बांधा नहीं जा सकता, आकार में पिरोया नहीं जा सकता। वो इस मूर्ति में भी है, उस मूर्ति में भी है, वो मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, काशी में भी है, काबा में भी है, चर्च में भी है, उतना ही जितना सिनेगॉग में है, वो सर्वत्र है, सब जगह है। उसको छोटा ना करो, उसको व्यक्तिवाची मत बनाओ। पश्चिम में इस बात पर बहुत झगड़ा हुआ कि परमात्मा को क्या माने, स्त्री माने कि पुरुष माने, ही कहें या सी कहें। तो अब तक तो उसको ही कहा गया, पुरुष के रूप में ही देखा गया पश्चिम में, क्रिश्चियनिटी में। कहते हैं पिछला पोप जब मरा तो स्वर्ग के दरवाजे पर गया, वहाँ सेंट पीटर से उसने कहा कि मेरी अनंत काल से प्यास रही है प्रभु के, परमात्मा के दर्शन करने की, जल्दी से मुझे दर्शन कराओ। सेंट पीटर ने पोप से कहा कि देखो दरवाज़ा तो मैं खोल दूंगा आपके लिए, दर्शन भी आपको परमात्मा के हो जाएंगे, लेकिन दो चीज़ का ख्याल कर लेना, आपने पृथ्वी पर चर्च में परमात्मा को पुरुष के रूप में पूजा है, क्राइस्ट के रूप में पूजा है, लेकिन वो जिसे आपने परम पिता के रूप में पूजा है वास्तव में वो परम पिता नहीं है, वो परम माता है, यानी स्त्री रूप में है, परम पिता नहीं परम माता है। सेंट पीटर ने कहा आपने जिंदगी भर परम पिता के रूप में पूजा है और दरवाज़ा खोलूंगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वो परम पिता नहीं परम माता है, स्त्री रूपा है, तो आप चौंक जाओगे। इसलिए पहली बात तो इसके लिए तैयार हो जाओ। दूसरी बात उसने कहा कि इस बात के लिए भी तैयार हो जाओ कि वो गोरी नहीं है, वो काली है, नेग्रो है। कहते हैं पोप अपना सिर पकड़कर बैठ गया दरवाजे पर, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। पहली बात तो परमात्मा को स्त्री मानो, जो कि जन्मों जन्मों से पुरुष माना है। दूसरी बात उसने कहा कि उसमें भी गोरी नहीं काली स्त्री नेग्रो मानो, और नेग्रो को तो हमने कभी चर्च में घुसने ही नहीं दिया, नेग्रोज वे आर नॉट अलाउड इन द चर्च, उनकी एंट्री बैन थी। कहते हैं उसको इतना सदमा लगा, इतना जोर का झटका लगा कि वो दोबारा वहीं मर गया, शौक से, झटके से। तो ईश्वर को जैसे ही आप रूप देने लगते हैं, जैसे ही आकार में बांधने लगते हैं, वैसे ही हजार सवाल खड़े होने लगते हैं कि स्त्री है कि पुरुष है, काला है कि गोरा है, दुबला पतला है या मोटा तगड़ा है, ये भी प्रश्न फिर पैदा होगा कि कैसा चित्र बनाया जाए उसका, दाढ़ी वाला है कि बिना दाढ़ी वाला है, ये भी प्रश्न पैदा हो जाएगा।
उसकी शक्ल चाइनीज की तरह है या इंडियन की तरह है या अंग्रेज की तरह है, तमाम सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ परमात्मा कोई व्यक्तिवाची अस्तित्व नहीं है। इस अस्तित्व की परम ऊर्जा जिसे हम परमात्मा की संज्ञा देते आए हैं, अपने को परम शांति परम आनंद के रूप में ही मनुष्य के जीवन में प्रकट करता है। इसलिए दूसरी बात मैं कहता हूँ, ईश्वर नहीं आनंद खोजो। व्यक्तिवाची ईश्वर की खोज में मत पड़ो। भगवत्ता तो गुण है, धर्म है, गॉडलीनेस है। भगवान बुद्ध ने उसे धम्म कहा, लाओत्से ने ताऊ कहा, सदगुरु नानक ने हुक्म कहा, हुक्म रजाई चलड़ा, वेदों ने रित कहा, उपनिषदों ने ओंकार कहा, जिसका आप कोई आकार दे ही नहीं सकते। ओंकार आकार है ही नहीं, और आकार मुक्त होते ही आपको भगवत्ता की अनुभूति होने लगती है, आप सीमाओं से मुक्त होने लगते हैं, उस रस रूप भगवत्ता का स्वाद पाने लगते हैं। और वो स्वाद मिलेगा ध्यान में उतरते उतरते, ध्यान में उतरते उतरते। तो ध्यान का अभ्यास करिए, और शेष 23 घंटे जो आपके बचते हैं, 23 घंटे में सिर्फ अपने आनंद को साधिए। कोशिश करिए कि मैं मौज में ही रहूँगा, मौज में जीऊँगा, आनंद को साधो। क्यों? क्योंकि रसो वैसा, वह रस रूप है, आनंद रूप है, आनंद घन है, परमानंद उसका नाम है। वो आनंद के रूप में ही प्रकट होता है, आनंद के अलावा उसका कोई रूप ही नहीं है। इसलिए 1 घंटे तुम विचार शून्यता को साधो, ध्यान को साधो, हृदय पर ध्यान केंद्रित करो। और जो 23 घंटे बचते हैं आपके, उसमें सोने के अलावा जो भी समय बचता है, उसमें सिर्फ आनंद की साधना करो। आनंद की साधना का अर्थ क्या है? आनंद की साधना का अर्थ है कि तुम 24 घंटे एक ही पूजा, एक ही प्रार्थना, कि मैं मौज में जीऊँगा, आनंद में जीऊँगा,